पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जो टेक्निक करने वाले हैं वो है साल्टो। इसको साइड सुप्लेक्स भी बोलते हैं, थंडर भी बोल सकते हैं। तो इसकी क्या पोजीशन है, कैसे हमें मारनी है वो हम आज देखेंगे। तो मेरी पार्टनर है आज विपाशा, ये एक बहुत अच्छी पहलवान है। इसका जूनियर वर्ल्ड में सिल्वर मेडल है, अंडर 23 वर्ल्ड में पार्टिसिपेशन है, अंडर 23 नेशनल में गोल्ड मेडल है, सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है और आगे भी बहुत कुछ प्राप्त करने वाली है। तो हम देख लेते हैं साल्टो में पोजीशन क्या होती है और हम कैसे मार सकते हैं। तो इसमें क्रॉस हैंड्स की पोजीशन जब सिस्टम आती है, एक हाथ हमारा ऊपर रहेगा और एक हाथ नीचे, इस पोजीशन में हम साल्टो मार सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब वो पार्टनर हमें पुश करेगा, हमें धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तब जाके टेक्निक लगेगी। अगर वो हमें धक्का नहीं मार रहा और हमने साल्टो की ट्राई की तो ये टेक्निक नहीं लगेगी। तो इसलिए वो जब पुश करेगा तो ही हमें मारना है। इसकी एक और खास बात ये है कि तो दोनों के लिए सेम रहती है पोजीशन, जो पहले मार गया उसके पॉइंट हो जाएंगे। और साथ ही साथ उसमें हमें चार पॉइंट मिल सकते हैं, दो से लेके चार पॉइंट तक मिल सकते हैं। वो उसके गिरने के ऊपर है कैसे दिखता है। तो चलिए देखते हैं कैसे साल्टो का आमने सामने से टेक्निक लगेगी। जब वो हमें पुश करेगा उसकी ताकत को मैं अपनी ताकत बनाऊंगी और साइड पे घूमते हुए थ्रो करूंगी। जैसे ये मुझे पुश कर रही है, जब ये पुश करेगी मुझे क्या करना है, अपना जो ये दोनों पैर हैं वो उसकी बॉडी के नीचे डालने और एकदम डालने। फिनिश यही करना, ऊपर नहीं रहना है, उसके ऊपर रहना है सिर की तरफ और हाथ खींच के। तो यहाँ उसको चित भी कर सकते हैं। एक बार फिर देखेंगे। तो जैसे हमने पैर की पोजीशन तो देख ली कि हमें एकदम उसकी बॉडी के अंदर जाना है। हाथ हमारे कैसे रहेंगे, जैसे ये हाथ है, ये जो हमारा ऊपर हाथ है उससे हम इसके हाथ को नीचे की तरफ दबाएंगे और जो दूसरा हाथ है उससे ये साइड में झटका मारना। एक बार फिर देखेंगे, जब वो धक्का मारेगी साथ ही साथ कंट्रोल। तो अभी दिखाएंगे विपाशा। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।